नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 830वां एपिसोड। आज 17 दिसंबर की तारीख हो गई है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, तीन ऐसी टीमें हैं जो कि बड़ी टेंशन में है नीलामी से पहले, उनके नाम भी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करते ही है। नीलामी की तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए यहां कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट है तो बिग बैश लीग में कल एक ऐसा चमत्कार हो गया जिसने क्रिकेट के सारे इतिहास के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन में कोई टीम 15 रनों पर ऑल आउट हो जाए ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल दोस्तों, कल एडिलैंड और सिडनी का मैच था। इस मैच में एडिलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, बाद में जब सिडनी की टीम चेस करने आई तो 15 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और पूरे क्रिकेट जगत के सारे इतिहास तहस नहस हो गए। यहाँ से ये भी पता लग गया कि बड़े प्लेयर्स की अनुपस्थिति में जो ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, आईपीएल, बिग बैश लीग, ये किस तरह से फ्लॉप हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला। हालांकि आईपीएल में तो कभी ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आईपीएल के पास पैसे की ताकत है, आईपीएल में सारे प्लेयर्स आएंगे, बट बिग बैश लीग के साथ अब ये होने लग गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत बुरा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के साथ। एक तरफ तो ये लोग पीएसएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बताते हैं, आईपीएल से इसका कंपैरिजन करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कई सारे डोमेस्टिक खिलाड़ियों को अनपेड रखा है। दरअसल दोस्तों, ये अब बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। 192 डोमेस्टिक खिलाड़ियों जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल नहीं खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी जैसे भारत में होती है ना रणजी शन मुस्तागले ट्रॉफी, उस तरह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनको ना ही मैच फीस दी है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ महीनों से, और ना ही भैया इनकी सैलरी, जो मंथली सैलरी होती है वो दी है। ऐसी स्थिति में ये 15 तारीख को जब पीएसएल की ड्राफ्ट की प्रोसेस में विदेशी खिलाड़ियों को कुछ करोड़ में जब खरीदेंगे ना, तो इनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि इनके देश के डोमेस्टिक खिलाड़ी बेचारे भूखे बैठे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भैया कम से कम अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को पैसे तो दे दो, इतनी तो स्थिति कर लो, अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को तो करोड़ों दे दे। तो आगे बढ़ते दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो यार, इंडिया बांग्लादेश जो मैच था वो मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है। फोर्थ और फिफ्थ डे का आज चौथा दिन है, कल पांचवा दिन है और भारत के पास संपूर्ण समय है यहाँ पर 10 विकेट लेने का, लेकिन बांग्लादेश के पास भी चेस करने का पूरा पूरा टाइम है। तो अब ये टेस्ट मैच में टाइम दोनों ही टीमों के पास है, लेकिन अभी तक जितने सेशंस बीते हैं ना वो इंडिया के पक्ष में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो तीन टीमें बड़ी टेंशन में है और नीलामी से पहले इन तीनों टीमों की टेंशन क्या है वो भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आज पहले तीनों टीमों के नाम सुन लो और आगे आने वाली एक एक खबर में इन तीनों ही टीमों की टेंशन बताऊंगा। पहली टीम चेन्नई है, दूसरी आरसीबी है और तीसरी केकेआर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको क्या क्या टेंशन से नीलामी से पहले वो देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं, देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर क्या खबर है और इनकी टेंशन क्या है। दरअसल दोस्तों, इस समय सीएसके की जो सबसे बड़ी टेंशन है नीलामी से पहले वो है इनकी कप्तानी। धोनी का आखिरी साल है, जडेजा नहीं करेंगे, वो हमने पिछले साल देख लिया, अब क्या विकल्प है, क्या ऋतुराज गायकवाड़? नीलामी में दो अच्छे विकल्प है, केन विलियमसन और बेन स्टोक, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों ही खिलाड़ी बड़ी बिड की तरफ जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स शायद इन दोनों में से किसी एक को लेना थोड़ा सा चेन्नई के लिए मुश्किल हो, क्योंकि दूसरी टीमों के पास बजट अच्छा है। तो चेन्नई की समस्या ये है कि फ्यूचर का कप्तान लेना है, पैसे सिर्फ 20 करोड़ है और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 42 करोड़ है, तो वहां पर ऑलरेडी चेन्नई आधी हो जाती है, चेन्नई के लिए मुश्किल होगा कप्तान ढूंढना। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर की बात करते हैं, केकेआर की दिक्कत सुन लीजिए, क्योंकि केकेआर को लेकर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई। दरअसल दोस्तों, करंट स्थिति में केकेआर बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है और नीलामी से पहले इनकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि केकेआर को 11 खिलाड़ी 11 स्लॉट्स भरने, केकेआर ने बड़े बड़े नाम एरन फिंच, पैट कमिंस सबको बाहर कर दिया है। अब केकेआर को नियम अनुसार 11 खिलाड़ी खरीदने हैं, मैक्सिमम ये 11 खिलाड़ी खरीदेंगे, इन 11 में से इन्हें 3 ओवरसीज प्लेयर्स भी खरीदने हैं, और यही नहीं, इनके पास सिर्फ 7 करोड़ रुपए, मतलब 7 करोड़ रुपए में इन्हें 3 ओवरसीज प्लेयर्स इंक्लूड करते टोटल 11 खिलाड़ी खरीदने, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब ये बड़ा प्लेयर नहीं खरीद पाएंगे, मतलब केकेआर ऑलरेडी नीलामी से पहले ही गर्त में फंसकर बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की आपसे बात करते हैं, तो आरसीबी भी दिक्कत में और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं। दरअसल
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सेकंड लास्ट पर्स है, मतलब बहुत इनका पर्स भी बहुत कम है, 8.75 करोड़ रुपए का है। इस समय आरसीबी की टीम को फ्यूचर में कप्तान की जरूरत है, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस 38 साल के हो चुके हैं, उनका विकल्प आपको फ्यूचर के लिए चाहिए। और साथ ही 2 ओवरसीज स्लॉट्स भी भरने हैं इस समय आरसीबी की टीम को, तो आरसीबी पर बर्डन है 2 ओवरसीज खिलाड़ी भरने, और एक बड़ा खिलाड़ी खरीदना पड़ेगा जो कि फ्यूचर में कप्तानी कर सके। बेन स्टोक मुश्किल हो पाएगा, लेकिन बेन स्टोक के कद का या केन विलियमसन जैसा जो कि नीलामी में इनके लिए ले पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आरसीबी बहुत कम पर्स के कारण 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को स्लॉट भरने जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी इनके लिए, टेंशन का मामला रहेगा। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए भैया, ये जो तीनों टीमों के मैंने नाम बताए, ये किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगा, अपना दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ किन खिलाड़ियों को लेगी ये तीनों टीमें। तो 9वीं बड़ी खबर की, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो पुजारा पर दिनेश कार्तिक का एक बड़ा बयान आया है, और नीलामी से पहले ये बयान के कई मायने हैं। पुजारा ने आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए अपना नाम नहीं दिया था इस बार, और ना ही रजिस्टर किया था। दिनेश कार्तिक बोल रहा है, आई डोंट थिंक ही हैज एनी कीननेस टू प्ले इन द आईपीएल नाउ। दरअसल दिनेश कार्तिक, जो कि पुजारा को बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद कह रहे हैं कि पुजारा के अंदर अब किसी तरह की कोई इच्छा नहीं बची है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने की। दरअसल पुजारा को भी ये पता है, दिनेश कार्तिक को भी ये पता है कि ये जो आईपीएल का खेल है ये पुजारा के लिए बना ही नहीं है। बहुत कोशिश कर ली है ऑलरेडी चेतेश्वर पुजारा ने आईपीएल में अपना नाम देकर, कई टीमों में बिककर, बट सारी चीज़ों का रिजल्ट एक ही निकला है कि ये खेल उनके लिए नहीं है, उनके लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट था है और वही चल रहा है उनका। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं, तो आकाश चोपड़ा ने कुछ बात कही और ये बात सबको सुननी चाहिए। बोल रहे हैं, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ सीएसके इन्वेस्ट इन द फ्यूचर कैप्टन और नॉट। दरअसल चेन्नई अपनी पिछली सारी नीलामियों में कप्तान के नजरिए से बिडिंग नहीं करी है। चेन्नई ने कभी भी अपने फ्यूचर के कप्तान कौन होगा उसको खरीदने की कोशिश पिछली नीलामियों में नहीं करी है, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये आखिरी साल होगा धोनी का साथ जो उन्हें मिलेगा, और उसके बाद इनको एक नए कप्तान के साथ जाना पड़ेगा, और वो नया कप्तान क्या ऋतुराज गायकवाड़ होंगे या कोई और होगा वो हमें नीलामी के बाद ही पता लगेगा। तो पूरी परिस्थिति आकाश चोपड़ा ने एक बात बोली, और मैं भी यही बोलूंगा कि जाहिर है चेन्नई के लिए देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये कैप्टन खरीदते हैं और क्या ये खरीद पाएंगे, और इसीलिए मैंने बताया इनकी दिक्कत भी पहले ही बताया। ये थी भैया दिनभर की 10 बड़ी खबरें, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, आईपीएल की हर अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर आएगी ऑक्शन की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोलकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम नहीं किया हो तो, और ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने हर दोस्त हर आईपीएल फैन के साथ, यहाँ के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना।